जो जो शो से निकला है, जिस भी हालत में आया है या आई है, जब निकली है निकला है तो उनका करियर कुछ 10 फोल्ड से ऊपर चला गया। हेलो हेलो सलमान सर, दिस इज शिवम फ्रॉम जूम टीवी। सर, वी ऑल लव यू फॉर व्हाट यू आर, और यू नो टीवी में हमने देखा है आपको कि यू नो तब चाहे वो पारस हो, उनके ऊपर आपने कभी बहुत सारे गुस्सा किए, और बिग बॉस ओटीटी पे जो कि कोई बैरियर नहीं होने वाला है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं? बैरियर में हूं। आप जनता कैसी बस अच्छी आप हो, ये लव यू सो मच। और ये जो एंटी ट्विस्ट है अलोंग विद दिस एंटी ट्विस्ट विल बी फॉर विद दिस आई डोंट विल बी फॉर टू बिग बॉस फर्स्ट टाइम बिग बॉस ओटीटी। अब देखते हैं क्या होता है, अब जनता भी खेलेगी इसमें, तब जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड ये अच्छे शब्द लगते हैं लोगों को, 24 आवर्स नो प्रेस अच्छे शब्द लगते हैं, बस एक बार वो शिकायत जाती है वो छोड़ते नहीं है उसे। मत ऐसा हो कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो, जो होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ही होगा, इसलिए मैं सोचती का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और फारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये ओटीटी करना पड़ा। अब एक बार कर लिया छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड ये अच्छे शब्द लगते लोगों को, 24 आवर्स लोगों को अच्छे शब्द लगते हैं, बिकॉज एक बार वो छिपक जाते हैं वो छोड़ते नहीं जी उससे। मत ऐसा हो कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो, जो होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारी सभ्यता के हिसाब से चले ये ओटीटी, इसलिए मैं ओटीटी का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और फारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये ओटीटी करना पड़ा। अब एक बार कर लिया और छोड़ना नहीं भी चाहिए सर। आप ही टीआरपी तो आप ही लेके आया थे, बाकी जिसको आप लड़ते हो डायरेक्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर टीवी पर आया और फिर अब ओटीटी। ये पता नहीं ये ग्रोथ है या क्या है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को छू रहा हूँ और ये सब आप ही बदौलत। जियो सिनेमा ने सर धमाका कर दिया था ड्यूरिंग द आईपीएल, ऑल्सो इतने सारे लोगों ने देखा था, दे लव्ड इट। और ये फ्री टू एयर पे जाके आई थिंक हर एक आदमी जो देखना चाहते हैं वो देख सकता है। आई थिंक बिग बॉस भी ऐसा ही है, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं जानता हूँ जिसकी कुछ ना कुछ टिप्पणी नहीं होती है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गेट जब आप किससे मिलते हो, जैसे नॉर्मली लोग जब आपसे मिलते होंगे आपको, चलो फिल्मों की अगर बात करते हैं, आपको बिग बॉस के बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों से? इतने आते हैं कि परेशान हो जाते हैं, फोन ऑफ रखना पड़ता है, और हर सीजन के पहले बहुत सारे लोगों का फ़ोन के मुझे बिग बॉस में डाल दो, मुझे बिग बॉस में डाल दो, उनके दोस्तों का फ़ोन, उनके पेरेंट्स का फ़ोन, बहुत सारे मतलब कि किसी भी फील्ड इंडस्ट्रीज हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फ़ोन आते रहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आना है। और ये डिसीजन मेरा होता नहीं है, ये डिसीजन है शीतल, मनीषा, एंडमॉल, कलर्स का। तो मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सलमान खान यही फ़ोन कर लेगा तो हो जाएगा, सलमान खान इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कलर्स वाले और एंडमॉल वाले बहुत पहले से इन्होंने एक रूल रखा है कि एक रिकमेंडेशन मैंने किया था और
ऐसा मुझे कोई डिफरेंस लगता नहीं है। वो जो ओटीटी का आप जिस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं करता और मुझे पसंद भी नहीं है और आजकल बहुत कम भी हो गया और आई थिंक गाइडलाइंस भी आ गए हैं ओटीटी पर तो उससे बहुत जुड़ा है। ओके सलमान सर सिंह हियर फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मैं जानना चाहूंगी कि जब भी आपकी बात आती है आप कितने ओटीटी फ्रेंडली हैं या फिर आप कितना कुछ सीखने वाले क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं काफी नए नए फेसेस भी हैं जो शायद हमने अब तक शायद सोशल मीडिया पे जिनको ज्यादा एक्सप्लोर किया तो आप कितना इनसे कनेक्ट कर पाते हैं आपके लिए कैसा है? देखिए ओटीटी पर मैं पहले आ चुका हूँ, एक फिल्म थी राधे करके, हमने वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज की इंसर्ट थिएटर क्योंकि उस वक्त पैंडमिक हाल ही में गुजरा था, किसी के पास पैसे वगैरह नहीं लिया था कि इसको हम ओटीटी पर डालेंगे ताकि बहुत ही कम पैसों के अंदर लोग जाके घर पर बैठ के पूरे परिवार के साथ फिल्म देखें। ओके आखिरी सवाल लेते हैं, एक अच्छी तरह आप लोग ये डिसाइड करो, एक ही आखिरी सवाल। यस यस दैट लेडी ऑन द राइट ओवर देयर। जो आपने कहा है जो फैंस ने कहा है वही मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आप नाश्ता करके आई। अच्छा कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है इसको यही पकड़ लेते हैं, मुझे पता है कि कहां कौन सा रूप पकड़ सकता है इसके बाद। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन एंड थैंक यू सलमान सर।